आप मुझे भूल नहीं जाइएगा, थोड़ा भी ख्याल रखिएगा। यही महारानी, जिस दिन से तूने इस रंगमहल में आई हो जी, मैं तुझे एक लक्ष्मी की तरह मैं माना, तो मैं भी आपको भगवान विष्णु की समान में आपको चरण को पूजा करती हूँ हमेशा। यही महारानी, लेकिन आज तक मैं तो तुझे कभी देखा नहीं कि इतना मायूस हो करके तो मुझसे कभी बात की, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा भी बहुत मुरझाया हुआ और ये मायूस होकर के तुम बातें करती हो। अच्छा, न राजा जी क्या हमार सुदिया। आओ, तुझे मैं तुझे कैसे भूलूं, हे हमार सुदिया हो। अच्छा, हमार सुदिया बिसर रही राजा, हमार सुदिया बिसर रही राजा, हमार सुदिया। मैं नहीं बोलूंगा, मंजिले दूर ही आए बालों जहो, एक मंजिले दूर ही आए राजा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, एक मंजिले दूर ही आए बालों। ये बात तो सच है, एक मंजिल तू रहिया ये बालम कवनी रहिया, कवनी रहिया केने दैब मोरे बालम, कवनी रहिया केने दैब मोरे राजा, कवनी रहिया। एक नदी तू नहीं आए बालम, क्यों नहीं, ये बात तो सच है। एक नदी तू नहीं आए राजा, एक नदी तू नहीं आए बालम, क्यों नहीं, कवनी नैया। क्या कवनी नैया तू बनबा के भैया, कवनी नैया तू बनबा के भैया, कवनी नैया बिसी रही हा न राजा हमार सुदिया।
बातों सच है। एक महले तुरनियाए बालम कवनी रनिया संग सोई बामोरे बालम कवनी रनिया संग सोई बामोरे बालम कवनी रनिया बिजी रही हाँ ना राजा हमार सुदिया महारानी महाराज आज मैं देखता हूँ तुम इतना मायूस हो, इसलिए आज तो आप छोटी बहन के कक्ष में जा रहे हैं ना। आपकी सुहाग की रात है ना। ये बात तो सच है। छोटी बहन को प्यार दुलार में आप मुझे भूल नहीं जाइएगा, थोड़ा भी ख्याल रखिएगा महाराज। ये महारानी हाँ छोटी महारानी के दुलार और प्यार के चक्कर में मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? तुम मुझे जाने के लिए आज्ञा दो, मैं छोटी महारानी की नदी तक जा सकूं। तुम अगर नहीं कहोगे जाने के लिए तो मैं नहीं जा सकता हूं। जो वादा किया वो जय हो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रूठा जबाना चाहे रूठे खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो नहीं निभाना पड़ेगा। महारानी आप वादा किए हैं तो वादा को निभाना पड़ेगा। तुम तो ये बातों को जानती हो ना। हाँ। कि मैं तुम्हारी बातों पर मैं चला हूँ और मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? ऐसा नहीं होगा। याद रखी अरे बाबा मैं याद रखूंगा जी, याद रखी जय हो। हे हमारी पिरतिया तू याद रखी सैया, याद रखी हमारी पिरतिया तू याद रखी खैला का समुआ साथ जी आई के तेला बचन मा साथ मरई के साथ जी आई के तेला बचन मा साथ मरई के हमरी जिंदगिया आबाद रखी हा जय हो ए जी याद रखी हा। अरे बाबा याद में रखूंगा हमरी सूरतिया तू याद रखी हा, ए जी याद रखी हा हमरी सूरतिया तू याद रखी हा। बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी महारानी के दिल में कुछ ऐसा विचार आ गए कि अब तो इस रंग महल में छोटी बहन भी आ गई। अब इस रंग महल में दो सौतन हैं। बड़ी महारानी के बीच ऐसा भावना है कि कहीं छोटी बहन के दुलार और प्यार के चक्कर में महाराज कहीं मुझे तो ना भूल जाए।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस रंग महल के बीच अगर दो महारानी है तो दोनों को देखना ये मेरा काज है, दोनों को बातों में रहना ये मेरा काज है। ठीक है, अब मैं यहां से चल करके मैं थोड़ा छोटी महारानी से मिल लूं, क्योंकि वो भी इंतजार करती होगी और कहेगी महाराज अभी तक मेरे कक्ष में नहीं आए। ठीक है, अब मैं चल करके मैं छोटी महारानी से मैं मुलाकात करता हूं। आहो देख भाई सुरतिया समाज भाई नव दूलहीन के हो देख भाई हो सुरतिया नव दूलहीन के आप क्या है? आप तो महलैंड के महलों में पार भेज कर चुकी हूँ। आप ये कहाँ जाएगा वीर सिंह राजा? आप तो मैं से जिधर की ओर ले जाऊंगी उधर की ओर वो जाएगा, और यदि नहीं गया तो मैं उसे वह हाल करूंगी कि यह संसार का मानव उसे देख पाएंगे। जिस तरह महाराज का आज्ञा था कि हे माया, सबसे पहले उनके महलों में प्रवेश करने की बात महारानी कमलावती को तुमने घर से बेघर कर देना। पहले तो मुझे वह सोचना है कि किस तरह वह सौतन पहले खत्म होगी, न रहेगी बांस न बचेगा बांसुरी। सबसे पहले तो उसी खेला खत्म करना है, उसके बाद सोचना है कि वीर सिंह का क्या होगा और उनका ये सारा राजपाट महल अटारी उसका क्या होगा। वैसे तो सभी संसार के मानव केवल इतना जानता है कि माया माया माया, परंतु आज तक कोई पहचानता नहीं है, ना कोई देखा होगा कि माया क्या करती है, माया कहाँ रहती है। माया हर एक मानव की अंतर्यात्मा में मेरी वास है, परंतु कोई जानता नहीं है। मैं जिस मानव को जिधर की ओर ले जाती हूँ उधर की ओर वो जाता है। जब मैंने बड़े बड़े मुनि और कितने कितने तपस्वी को मैंने तपस्या भंग किया, तुझे वीर सिंह राजा क्या है? कुछ नहीं, मैं ऐसे करके चुटकी बजाऊंगी तू ये उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, पहले तो मुझे उसे खत्म करना है। जब मैंने तिरुलोक में दोनों देवताओं को अपने बस में कर चुकी थी, मैंने ब्रह्मा को अपने बस में किया, विष्णु को बस में किया, महेश को अपने बस में किया, तो ये वीर सिंह राजा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आहे हम नटनागर सब गुण के आगर, आहे हम नटनागर सब गुण के आगर, हमरो मारम कोई नै जानै हे। हम नटनागर सब गुण के आगर, हमरो मारम कोई नै जानै हे। हमरो मारम कोई नै जानै हे, हमरो मारम कोई नै जानै हे। हम नटनागर सब गुण के आगर, हमरो मारम कोई नै जानै हे।
हम जाना माई दे बाबा के खलियाई आहे भैया के जहर पियलियाई है हम जाना माई दे बाबा के खलियाई आहे भैया के जहर पियलियाई है भैया के जहर पियलियाई है टोला परोसा में झगड़ा लगलियै टोला परोसा में झगड़ा लगलियै नहिरा में आगिया लगलियै हे टोला परोसा में झगड़ा लगलियै नहिरा में आगिया लगलियै हे के हो सखी सब गाल सतल गई करो माल धोई बैठलो हे के हो सखी सब गाल सतल गई करो माल धोई बैठलो हे ससुर के गोरो नहीं लागलो आहे भाई सुर के पोछा उखरलो हे सासु ससुर के गोरो नहीं लागलो आहे भाई सुर के पोछा उखरलो हे भाई सुर के पोछा उखरलो हे नन दो प्या देखे देखे मुंह ननदी के देखे देखे मुँह चमकलियै देवरा के चूल्हा झलियै ननदी के देखे देखे मुँह चमकलियै देवरा के चूल्हा झलियै हे हम ना जनागर सब गुण के आगर हम परम कोई जानै हे हम ना जनागर सब गुण के आगर हम परम कोई जानै हे हम ना जनागर सब गुण के आगर हम परम कोई न हम सबसे पहले सिपाहियों को बुला करके
और उनसे मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। सिपाही सिपाही। हेलो जी महारानी जी, इधर आओ मेरे पास। कौन अच्छी है महारानी? मैं यहाँ हूँ। परनाम परनाम। खुशी रहो। कहाँ था तुम? अरे ये क्या हो गया तुझे? ऐत कालिए सुत रहे ले। अरे मैंने कहा कि खुशी रहो आनंद रहो। ओहो हमरो दिमाग नहीं छे कंप्यूटर छे हम के ये कहल के सुत रहे ले। कहाँ था तुम इतने देर से? मैंने कितने देर से तुम्हें यहाँ चिल्ला चिल्ला करके आवाज देती हूँ लेकिन मेरी आवाज तुम्हें कानों तक नहीं गया। जी 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 मच्छर पकड़े रहिए तो फिर मेरी आवाज तुम सुना नहीं, इसलिए तो दौड़ल चली आई हूँ। सिपाही जी, तुम हमसे ये नहीं पूछा कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? आप किस लिए मुझे बुलाई हैं? सिपाही जी जी, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ, इसलिए जी कि तुम ये बता महारानी हमें इज्जत वाला लोग छे, हमरा बाप के 40 किलो इज्जत रहे, हमरा 65.5 किलो। तो ऐसे करती हूँ तो तुम्हें क्या हो गया? हमारे बाप कल के महिला के नहीं देखे ले, काते से बात करेगा। जी जी सिपाही जी, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ जी कि तुमसे मैं कुछ बातें करूंगी। हमरा से? हमरा से करबे? हे भगवान एक भी जगह दे दे, हमरा से की करबो? क्या की भेले? तुम ऐसे क्यों कहते हो भगवान एक भी जगह दे दो? हाँ हमरा से कथिल बात करबो? सिपाही जी, मैं तुमसे ये कहने के लिए चाहती हूँ जी कि तुम ये बता इस समय महाराज कहाँ है? हाय रे तोरी के महारानी जी, ई बात तो बिहार के पेपर में नहीं छे कहे वाला, बड़ा गड़बड़ बात। क्यों नहीं है कहने महारानी जी? आप ई बुझियो रात के 12 बजे छे आ हमें प्रतिष्ठा वाला लोग, आ महाराज कत्तो जेते? यहाँ के मालिक बुद्धि नहीं देने है। मैं नहीं जानती हूँ कि महाराज कहाँ है नहीं है। ओ बाप ओ बाप, आप केना समझेबे हो? इसलिए मैं तुम्हें पूछती हूँ कि तुम बताओ ना। बड़ा लाज है जी। लजाओ मत, यहाँ कोई नहीं है, केवल तुम और मैं। कह दिया? हाँ कह दो ना। हे भगवान महारानी जी। हाँ सुनो। बोलो ना। आज बड़ी महारानी छतीन ने फूले के दल के इच्छौना, अब फूले के दल के बिछौना, अब फूले के दल के सिरहौना, अब 30-40 किलो वे परसेंट मार दल के, अब बुझलो हो? फिर क्या हुआ? ओ बाप बैठाल छी हंसे छी कि कबीर बाबू। फिर क्या हुआ? हे भगवान सेंट मार दिया, उसके बाद ओ बिछावन पर पलंगरी पर सेंट मार दल के। अब बुझ गेलो हो? नहीं समझी हूँ मैं। हे भगवान कह दिया? हाँ कहना होगा। हे प्रतिष्ठा हमर कोई गलती नहीं छे बाप, तू हमर लाज रख ली। महारानी जी फूले की छौना, फूले के बिछौना, फूले के सिरहौना 40 किलो सेंट मार दलकिन बड़ी महारानी। हाँ। आ महाराज? हाँ। आ महारानी जो आप बुझलो हो? ओहो इसका मतलब जी जी महाराज बड़ी महारानी के सिंहासन पे सोई हुई है। सुतल नहीं छे, आराम करे छे। आराम? ओ आराम कर रहा जी जी जी। सिपाही जी तुम ऐसा करो ना जी, तुम यहाँ से चले जा बड़ी महारानी के कक्ष महाराज के पास। चंद मिनट में गलिया या 5 मिनट में लिया? और सुनो ना जी, महाराज से कह देना कि इसी समय छोटी महारानी अपनी कक्ष में बुला रहे हैं। जो आज्ञा हो महारानी। जा। क
तोहरी चनिया ने रानी होई हीरा दे तैली ने चाली भेली हैरानी जी के मालिए रानी जी छोटी महारानी। महाराज मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? यहाँ अपने कक्ष में। क्या तूने गेट लगा कर सो गई हो? नहीं नहीं आइए ना। चलो पहले तो तुम गेट खोलो। छोटी महारानी आइए ना। क्या तुम अपनी कक्ष में हो? क्या हुआ? आज मैं देख रही हूँ अभी तक तुम खड़ी हो, सोई नहीं हो? नहीं। क्या हो? महाराज आपसे मुझे कुछ बातें करना है। हाँ बैठ जाइए ना। छोटी महारानी। महाराज मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्यों नहीं पूछिए ना। तुम तो जंगल में रहती थी और जंगल से मैं तुझे इस रंग महल में लाया, तो क्या ये रंग महल तुझे अच्छा लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है महाराज। अच्छा मैं तो यही सुनने के लिए चाहता हूँ कि तुझे जंगल अच्छा लग रहा था, इस रंग महल में आई हो तो ये रंग महल अच्छा लग रहे हैं। महाराज जंगल में तो जानवरों से मुलाकात हो रहे थे और जानवर मेरे साथ में रहता था, और यहाँ जब से आई हूँ